अस्सलाम वालेकुम, पिट्यूटरी एंड थायराइड के चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और आज हमने फाइंड अप करना है वो वाले हार्मोन्स दैट आर रिलीज बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। इसका प्राइमरी फंक्शन तो ये है कि स्टिमुलेट करता है, मेंटेन करता है लैक्टेशन को, प्लस इट डिक्रीजेस सेक्सुअल ड्राइव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसको साथ में डिक्रीज करता है, ठीक है। और थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसकी जो रिलीज है उसको स्टिमुलेट करती है एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय डोपामिन एक्टिंग एट T2 रिसेप्टर्स, ठीक है। और ड्रग्स डिटेक्टर्स डोपामिन एंटागोनिस्ट फॉर एग्जांपल मेटोक्लोप्रोमाइड एंड एंटीसाइकोटिक्स वो इंक्रीज करती हैं इसकी सिक्रीशन। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इट इज़ एसोसिएटेड विथ ग्लैक्टोरिया एंड हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म में मतलब हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में ये होता है कि ग्लैक्टोरिया होता है, मिल्क की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और हाइपोगोनाडिज्म जो गोनाड्स हैं वो हमारे जो है इमेच्योर रहते हैं, वो उनमें मेच्योरिटी नहीं आती, ठीक है, टेस्टिस में, ओवरीज में। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं सच एज ब्रोमोक्रिप्टीन एंड कैबरगोलीन, ठीक है, क्योंकि जो डोपामीन है ना वो उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया को ये ट्रीट करने में हेल्प आउट कर सकता है। और बाय द वे ये जो दोनों एजेंट्स हैं दे फाइंड दे यूज इन पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमास आल्सो, प्लस ब्रोमोक्रिप्टीन इज ऑल्सो इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ Type 2 डायबिटीज, राइट। फिर हमारे पास आता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और वो फिर गोनाडोट्रोफिन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज कराता है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, राइट। आप कंटिन्यूली अगर आप एडमिनिस्टर करो ना गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन तो इंटीरियर पिट्यूटरी से इसका रिलीज इनहिबिट हो जाता है ड्यू टू डाउन रेगुलेशन। यू मस्ट रिमेंबर ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। डाउन रेगुलेशन ये है कि आप फर्दर अगर एक रिसेप्टर पे फर्दर बार बार एक लाइगेंड को आप एक इंट्रोड्यूस कराए ना तो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली रिसेप्टर, डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बार बार अगर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है या आप एक्सटर्नली दे रहे होते हैं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा, उनका उनकी रिलीज कम हो जाएगी। अब एक लियोप्रोलाइड है सिंथेटिक, ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का एनालॉग ही है, ठीक है, जो आप एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हो। अब बार बार उसको दो, हाई डोज में दो तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन कम हो जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो जाते हैं ड्यू टू डाउन रेगुलेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन पिट्यूटरी एंड इससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज भी कम हो जाती है। सो इट इज़ यूज फॉर प्री मेच्योर ट्रीट करने के लिए इनफर्टिलिटी। कुछ जो वुमेन है कुछ औरतों में इनफर्टिलिटी का इशू ये होता है कि उनके जो एग हैं वो प्री मेच्योर, उनकी जो ओवरीज हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और मतलब एग्स अभी प्री मेच्योर ही होते हैं, नॉट मेच्योर, तो वो रिलीज हो जाते हैं, सो वो इनफर्टाइल ही रहती हैं। उसमें ना हम LH की जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्ज को कंट्रोल करने के लिए हम लियोप्रोलाइड देते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का एनालॉग है। सेम हम इनहिबिटर भी दे सकते हैं, ठीक है। इनहिबिटर जो है एंटागोनिस्ट गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट सच एज सिट्रोरेलिक्स एंड गैनिरेलिक्स ये भी देते हैं इनहिबिट करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इनफर्टिलिटी के प्रोटोकॉल्स में। अब जो वुमेन है जो एनालॉग्स ले रही होती हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, डायमेनिश्ड सेक्सुअल ड्राइव, डिप्रेशन, ओवेरियन सिस्ट, और फॉर मेल्स टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है राइज हो जाता है, ठीक है, इनिशियली जैसे बोन पेन होती है, हॉट फ्लैशेस, एडिमा, गायनेकोमेस्टिया उनके ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं और सेक्सुअल ड्राइव जो है वो कम हो जाती है। और ये प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में जो है ना गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं देते। फिर आपके पास आते हैं गोनाडोट्रोफिन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है इन रिस्पॉन्स टू गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनाडोट्रोफिन्स ये प्रोड्यूस होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में
And they regulate the steroidal hormones depends upon their regulation of gonadal steroid hormones. The regulation depends on these agents. अच्छा, अब इसको भी हम infertility की treatment में use करते हैं. Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Because they are important for the release of mature egg, right? अब सबसे पहले मीनोट्रोपिन सिंथेटिकली ये जो अवेलेबल है मीनोट्रोपिन जो है ह्यूमन मीनोपॉजल गोनेडोट्रोफिन भी इनको कहते हैं HMG इस के नाम से ये इंजेक्शन अवेलेबल होता है और ये ऑप्टेन कहाँ से होता है पोस्ट मीनोपॉजल पॉजल जो वुमेन होती हैं उनकी उससे उनकी यूरिन से ऑप्टेन करते हैं और इसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों गोनेडोट्रोफिन प्रेजेंट है सिंथेटिक है ना ये फिर यूरो फिलोट्रोपिन के नाम से आता है यूरोफिलोट्रोपिन ये सब इसमें ये सब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ये भी पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन से ही ऑप्टेन करते हैं बट इट इज़ डिवाइड ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन राइट फिर हमारे पास है फोलियोट्रोपिन अल्फा एंड फोलियोट्रोपिन बीटा फोलियोट्रोपिन बीटा ये दीज आर ह्यूमन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूजिंग मेड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फिर HCG एंड कोरियोगोनेडोट्रोफिन अल्फा HCG जो है ये हमारा प्रेग्नेंट वुमेन का प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करता है यूरिन में सिक्रीट आउट होता है और प्लेसेंटा का हार्मोन है दैट एक्सक्रीट इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इफेक्ट जो होता है ना HCG का और कोरियो गोनेडोट्रोफिन अल्फा ये इसके इफेक्ट्स जो हैं दे आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू डैट ऑफ LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको आप इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से देते हो और इंजेक्शन जो है HMG का या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रोडक्ट्स आप देते हैं 5 to 12 डेज के लिए जिससे ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है मेच्योर होते हैं फिर हम HCG का इंजेक्शन देते हैं और ओवुलेशन हो जाती है ठीक है इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में ये सारे एजेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एडवर्स इफेक्ट ये है कि ओवरीज इनलार्ज हो जाती हैं हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि मल्टीपल बर्थ इट कैन लीड टू मल्टीपल बर्थ नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन और उससे नेक्स्ट थायराइड हार्मोन्स को डिस्कस करके हम ये चैप्टर जो है कवर करेंगे और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स थैंक्स अलॉट